हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीटेट वर्सेस जेटेट की जो लड़ाई चल रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं आपको बता दूं एक्चुअली एक और मामला हाई कोर्ट में चल रहा है जिसमें कि जेटेट 2012 वाले ने अभी ये लगा कर रखा हुआ है कि इनको जो है मुफ्त में, जी हाँ लिटरली मुफ्त में नौकरी इनको चाहिए। काउंसलिंग के माध्यम से जो भी जेटेट पास विद्यार्थी हैं उनको जॉब दे दी जाए। ये जो है हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अब ये कितना सही कितना गलत आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि डायरेक्ट काउंसलिंग से जो है जॉब दे दी जाए सिर्फ जेटेट जैसे टुच्चे एग्जाम को पास कर लेने से। अब आप बोलोगे कि बार बार मैं जेटेट को टुच्चे एग्जाम क्यों कहता हूँ, आपने फॉर्म जो है अभी अप्लाई कर दिया होगा या करने वाले होगे, एग्जाम आपका सेप्टेम्बर सेकेंड वीक में जो है हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितना ही टुच्चा एग्जाम था। और इसके रिगार्डिंग, जेटेट के रिगार्डिंग आपको जो है कल एक वीडियो भी मैं लाने वाला हूं जहां पे जो भी आपके डाउट हैं उसका समाधान जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। अब देखिए ये थंबनेल में जो ये लिखा हुआ है, जिसका डर था वही हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा जेटेट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है मुकदमा और उसमें जो चीज़ें सामने आई है उन तीन महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे जो कि जेटेट वालों ने अपने सामने रखी है। उनका कहना है कि उनके द्वारा जो है वैकेंसी लेट नहीं हो रही है, जो वैकेंसी लेट हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है जेटेट। आप देखो सबसे पहले इन्होंने खुद से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और हाईकोर्ट की बात को वो उन्होंने वहां पर नहीं रखा, उन्होंने कहा कि मातृभाषा को लेकर समस्या है। और आपको भी पता है जेटेट में जो है अगर कोई हिंदी इंग्लिश रख लेता है क्षेत्रीय भाषा के तौर पर तो सीटेट और जेटेट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि जेटेट और सीटेट को लेकर ये क्या जो है मामला आ रहा है। ठीक है, ये तो पहली इनकी जो दलील है वो खारिज हो गई। दूसरी दलील इनकी ये है कि ये जो है बिल्कुल इनको जो है एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इनका मानना है कि जो बड़ा बेटा है ना, जो घर में बड़ा बच्चा पैदा होता है उसको सब कुछ मिल जाए, छोटे वाले को कुछ ना मिले, ऐसा ये कहना इनका है। तो खैर इनकी मानसिकता है, अब मैं इस पर क्या ही टिप्पणी करूं। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जेटेट 2016 वाले जो भी पिटिशनर बने हुए हैं उनसे फिर से जो है पैसे की डिमांड की जा रही है। अच्छी बात है, खूब पैसे लो, इतने पैसे लो कि धुआं धुआं कर दो पूरे झारखंड को। और ये चंदा जो चोर हैं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ ये चंदा चोर हैं, चाहे वो सीटेट वाला हो या जेटेट वाला हो। बार बार देखो एक्चुअली क्या हुआ ना सीटेट वाले मुकदमे में, मेरा भी मन खट्टा हुआ है, ये सीटेट वाले मुकदमे में क्या हुआ, लोग पैसे ले लेते हैं उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और ये बोलते हैं कि हमें 4 सप्ताह का समय दे दो। अब बताओ ये क्या है, इसके बारे में क्या ही बात की जाए। रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है और ये इस तरह से, और आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें होती है वो आपके और हमारे अनुसार नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आपको हमेशा 1 से 15 दिन 20 दिन उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने का भी वक्त दे देता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है ये 1 साल से पहले निपटने वाला है नहीं। और ये दोनों तरफ के लोग हैं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सांप दोनों तरह के लोगों में है। जेटेट वाले भी में जो है सांप भरे पड़े हैं और अब कौन है सांप आपको भी पता है, और सीटेट वाले में भी सांप पड़े हैं दोनों की जो है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने देखी इनकी, इससे एक बात पता चल गया कि दोनों ही तरफ में जो है सांप भरे पड़े हैं। ये तो खुलम खुला चंदा मांग रहे हैं और सीटेट वाले भी जो है बहुत सारे लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर टाइम मांग रहे। क्या टाइम चाहिए था आपको ताकि आप चंदा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके अपनी जेबें भर सको? तो ये चीजें हुई है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं चंदा चोरों से जो है बच के रहिए, ये आपके भविष्य को चौपट कर देंगे। तो ये चीजें हुई है और जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो बातें सामने आई है, या फिर शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, देखिए जो परीक्षा में शामिल हो गया है उसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। सरकार किसी ना किसी तरह से अकोमोडेट करेगी ही करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऊंच नीच खबर भी आ जाती है सीटेट वाले के लिए तो उनके पीछे सरकार खड़ी जो है दिखेगी आपको, क्योंकि सरकार के पास अभी भी 24,000 की भर्तियां हैं, जब चाहेगी सरकार इसके ऊपर जो है भर्ती ला सकती है। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 3 सितंबर को, उससे पहले तो कोई संभावना नहीं है कि सरकार के बीच में और जेटेट 2016 के बीच में कोई जो है सुलह हो जाए और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। जो इन्होंने बातें बताई थी, जो फोटोज़ वगैरह इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था, लेकिन उसका कोई लिंक भी मुझे नहीं दिख रहा है। वो बोलते हैं ना नेता बोलते कुछ है करते कुछ है, ऐसा ही चाल चरित्र इनका रहा है। तो खैर 3 सितंबर को जो बातें सामने आएगी वो आएगी, और मैंने एक जो है प्रपोजल दिया था कि मार्क्स को जो है बढ़ा करके जेटेट को दे दिया जाए और मामला सुलटा लिया जाए।
लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी राय रखी थी आप लोगों के सामने वो बहुत ही बेकार राय थी, क्योंकि इन जेटेट वालों से मुझे सख्त नफरत हो गई है। ये जेटेट 16 वाले ये भर्ती को कंप्लीट ही नहीं होना देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये अनंत काल तक जो है चलते रहे, और मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम ना एक साल नहीं 10 साल तक ये भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में ही रह जाए, सभी बूढ़े हो जाएं, एटलीस्ट जेटेट वाले तो बूढ़े हो जाएंगे। हम लोगों का पता है मुझे कि मेरे पास काफ़ी समय होगा सर्विस देने के लिए, तो लड़ो केस केस। वो बोलते हैं ना पंचायत वाली सीरीज आपने देखी थी ना, जिसमें बोलते हैं ना करते रहिए मीटिंग मीटिंग अलवा मीटिंग, वही वाली कहानी है, करते रहिए कोर्ट कोर्ट अलवा कोर्ट करते रह जाएंगे आप, बार बार जो है कोर्ट में जाओगे, वकील को पैसा दोगे, फ्रस्ट्रेशन आ गई है इन सब चीज़ों से देख करके मुझे। इसका रिजल्ट कहाँ तक आएगा किसी को कोई पता नहीं। वो बोलते हैं ना कि इंडलेस लड़ाई में आप लड़ रहे हो, आपका कोई रिजल्ट सामने आने वाला नहीं है, देखते हैं। वो बोलते हैं ना कि उम्मीद एक बहुत जिंदा शब्द है, तो देखिए उम्मीद रखिए आप भी और हम भी, लेकिन बीच बीच में जो इस तरह की खबर आती है ना तो बिल्कुल मन खट्टा हो जाता है। तो खैर जो भी चीज़ें सामने आएगी आपके इसी तरह से जो है आपको उचित माध्यम से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपको वापस जाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।